हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12वीं के भौतिक विज्ञान में कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इस प्रकार के हैं। एक 50 वाट का 100 वोल्ट के वैद्युत लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बल्ब का प्रतिरोध देखें, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर वी स्क्वायर अपान पावर। तो ये 100 × 100 पावर कितना है? 50। तो ये जो R का मान मिलेगा 200 ओम। बल्ब में धारा देखें, I बराबर पावर अपान भी, पावर 50 है, और विभवांतर 100 है, यानी कि ये हो गया 0.5 एम्पियर अब परिपथ में धारा निकालना है। I बराबर भी अपान जेड, जेड प्रतिबाधा है परिपथ का, इसलिए जेड की वैल्यू आएगी भी अपान आई। भी लगाया गया है 200 वोल्ट और आई 0.5, यानी कि ये मिलेगा जो प्रतिबाधा आएगा वो 400 ओम। अब एक फार्मूला प्रतिबाधा का होता है, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस धारिता के लिए एक्स सी का स्क्वायर। एक्स सी बराबर अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड की वैल्यू है 400 का स्क्वायर और प्रतिरोध है 200 का स्क्वायर। सोलह में से 4 यानी कि 12, तो ये मिलेगा 200 करणी में 3। अब एक्स सी बराबर होता है 1/2πf इंटू सी। सी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो देख एक्स सी 1/2πf इंटू सी, तो C की वैल्यू 1/2πf इंटू एक्स सी मान रखा जाए।
तो ये मिलेगा 1/2×3.14। एफ का मान 60 है, एक्स सी की वैल्यू आई है 200/3। मान रखें (6.28×60×200)/3 का मान 1.732। तो हल किया जाए तो ये मिलेगा 1/10। अब इसको सॉल्व करें तो ये मान मिलता है, ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी दशमलव का 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये मिलेगा 7.6×10^-6 μF, ये धारिता मिल जाती है। चित्र में देख रहे हैं कि LCR एक सर्किट है जिसका